Hey guys, welcome back to my channel. This is me Priyanka and in this video अगैन विदाउट मेकअप एंड इस समय का सीन ये है कि अभी मैं आ, आई हूँ अपने हेयर को करके वॉश एंड मैं बहुत ज़्यादा आपसे शेयर करने वाले एक ऐसा मैजिकल इग्रीडियंट कह सकते हैं जो कि आप अपने शैम्पू में मिक्स करोगे इट नॉट कि एक इन्ग्रीडियंट दो चार चीज़ ऐसी है जो अपने शैम्पू में आप मिलाकर लगाओगे तो उस शैम्पू के बेनिफिट टेन टाइम्स टें ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे लगा ओके okay, जस्ट मैं हेयर कोकर के आई हूँ वॉश एंड अभी सूखने का वेट कर रही हूँ एंड मैं तब तक आप इन्ग्रीडियंट्स देख लो कि क्या क्या चीज़ आपको अपने शैम्पू में अगर आप मिलाकर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा एंड आई होप आपको वीडियो पसंद है बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर सकूँ जैसे मैं आ, डेली बेसिस पर अपनी कर पाती हूँ डी आई वाइज चीज़ों को यूज़ करके आ, कोई प्रोडक्ट मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आपको घरेलू चीज़ों से बनी हुई बहुत अच्छी सी एक रेमेडी है सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कांच की कटोरी और एक स्पून जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कांच की कटोरी होनी चाहिए कोई भी मेटल का बर्तन नहीं होना चाहिए नहीं तो कोई भी अगर एसिडिक चीज़ हम डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगी एंड फर्स्ट इन्ग्रीडियंट हमें चाहिए लेमन हाफ़ और जो कि पूरा अच्छा रस वाला होना चाहिए नहीं तो आप पूरा फुल लेमन का भी यूज़ कर सकते हो उसका हमें रस निकालना है लेमन में होती है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी जो कि हमारे बालों की ड्राइनेस को हमारे ऑयली स्कैल्प से प्रिवेंट करता है और डैंड्रफ से भी प्रिवेंट करता है ढाई चम्मच ये निकलेगा एंड लेमन इज ऐसा हीरोट है आपके हेयर्स के लिए जैसे आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपके हेयर के पीएच को बैलेंस करता है आपके हेयर मास्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है लेमन तो अप्रोक्सीमेट ढाई चम्मच हमें लेना है लेमन का जूस मतलब हाफ लेमन में जितना भी जूस निकल जाए आपको उतना लेना है देन हमें लेना है रोज वाटर यहाँ मैं पतंजलि का रोज़ वाटर ले रही हूँ जो कि बहुत ईजी मिल जाता है और बहुत सस्ता मिल जाता है वन टेबल स्पून अप्रोक्सीमेट बस क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नहीं बनाना हमारा शैम्पू को हमें ये दो चीज़ को करना है मिक्स प्रॉपरली एंड देन हमारा नेक्स्ट uh, इंग्रेडिएंट है टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो कि मैं यहाँ ले रही हूँ ग्लैमलेप्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल ये अस्ट्रेलियन एसेंशियल ऑयल है और ये काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ इसके रिजल्ट्स इस अच्छे हैं तो हमें लेना है वन टू थ्री फोर ड्रॉप्स लेना है एसेंशियल ऑयल के आप चाहो तो हो अगर जो भी एसेंशियल ऑयल रोजमेरी या लेवेंडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो मैं पर्सनली टी ट्री की ज़्यादा फ़ैन हूँ इसलिए टी ट्री ही यूज़ करती हूँ और इसको हमें करना है बहुत अच्छे तरह से मिक्स फाइनल इन्ग्रीडियंट लेना है मैं शैम्पू जो कि यहाँ मैं ले रही हूँ डव का क्योंकि मैं डव लगाती हूँ दस सालों से अप्रॉक्सीमेट तो मैं डव ही ले रही हूँ आप जो भी शैम्पू लेते हो आप उसको ईजली डाल सकते हो तो मैं दो पाउच ले रही हूँ आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से आ, कम ज़्यादा कर सकते हो और मैं इसमें इसको करूँगी मिक्स और जो कि यहाँ मैंने डव जो लिया है वो डैंड्रफ केयर वाला लिया है तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आपको डैंड्रफ वग़ैरह है बालों में तो यहाँ मैंने लिया था रोज वाटर जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे बालों को स्मूथ रखने में हमारे बालों पर शाइन प्रोवाइड करता है हमारे टैंगल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है इसलिए रोज वाटर बहुत ज्यादा नेसेसरी चेहरे के साथ साथ बालों के लिए भी या तो हमने अपना शैम्पू ले लिया अब हमें करना है इसको बहुत अच्छे तरह से मिक्स सो so, yeah ये हमारा शैम्पू हो गया पूरी अच्छी तरह से मिक्स ये अप्लाई करने के लिए बिल्कुल हो गया रेडी इसको आप हफ्ते में दो से तीन बार ट्राई कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए और नहीं तो आप एक बार भी लगा सकते हो नार नार्मल शैम्पू भी कर सकते हो इसके साथ आप बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स और अपने चॉइस से चेंज और रिप्लेस कर सकते हो लाइक एप्पल साइड विनेगर और जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल है वो भी डाल सकते हो ये टोटली आपके ऊपर है शुगर डाल सकते हो हनी डाल सकते हो बहुत सारी चीज़ें अगर आप और भी रेमेडीज़ चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसको ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपको कैसा लगा तो मैं प्रियंका मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द अब लगे टेक केरन बाय बाय